हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मंजुला सिंह। आज की क्लास में आप सभी के सामने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस लेकर के उपस्थित हैं, पर इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगी कि पुराने इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं टेंस से रिलेटेड, उसे आप सारे देख लीजिए तो आपको आगे तक समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। आइडेंटिफाई, हम पहचान कैसे करेंगे? देखिए, वाक्य में मुख्य क्रिया मैन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है। देखिए एग्जांपल, जैसे क्या हो गया, संजय आ रहा होगा, रहा होगा आ गया ना, वो बच्चा सो रहा होगा। तो वाक्य में मुख्य क्रिया मैन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, तो देखिए सकारात्मक वाक्य से आशय क्या है, ऐसा वाक्य जिसमें ना, नहीं, ना दिया हो और साथ ही प्रश्नवाचक वाक्य ना हो, साधारण वाक्य हो। फॉर्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, विल बी ऑब्लिक शैल बी, अब बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि विल का प्रयोग कहाँ करना है और शैल का प्रयोग कहाँ करना है, विल बी शैल बी। तो देखिए विल बी शैल बी या विल शैल, मोस्ट चैलेंजिंग वर्ड इन इंग्लिश। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट द यूज, जस्ट यूज विल। तो आप विल का भी यूज़ करते हो तो ठीक है, अदरवाइज आई वी इज़ नोन एज द फर्स्ट पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन में होते हैं तो उसके साथ सेल का यूज़ करते हैं, यू ही सी इट दे के साथ में विल का यूज़ करते हैं। अदरवाइज मॉडर्न इंग्लिश में यदि आप विल का यूज़ कर रहे हो तो वो भी गलत नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं हम, संजय आ रहा होगा, संजय सब्जेक्ट है हमारा, संजय फिर हेल्पिंग वर्ब हमने क्या ली, विल बी कमिंग, वो बच्चा सो रहा होगा, दैट किड विल बी स्लीपिंग। अनदर एग्जांपल, मैं गाना गा रहा हूँगा। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं, नहीं होता है, साधारण वाक्य होता है, ना ही प्रश्नवाचक वाक्य क्वेश्चन मार्क होता है। तो आई शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी ऑब्लिक शैल नॉट बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये थोड़ा सा आपको डाउट में रहता है इसलिए मैंने इसको अगेन लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी ऑब्लिक शैल नॉट बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। हम एग्जांपल देखते हैं, संजय नहीं आ रहा होगा, संजय नहीं आ रहा होगा, संजय विल नॉट बी कमिंग, वो बच्चा नहीं सो रहा होगा, That kid will not be sleeping. I, मैंने देखिए ऊपर लिखा हुआ, आई वी में शैल बी, यू ही सी इट दे विल बी, वो बच्चा नहीं सो रहा होगा, That kid will not be sleeping. मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा, I shall not be singing a song. Interrogative sentence, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए डब्ल्यू एच, आपने यदि प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए डब्ल्यू एच वर्ड यदि क्वेश्चन मार्क जो ऐसे क्वेश्चन हो जिसका आंसर आप हाँ और ना में ना दे पाएँ, तो वहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली का मेंबर यूज़ होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और सेल, प्लस नॉट यदि इंटरनल नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट भी दिया हो तो, अन्यथा नॉट का यूज नहीं करेंगे, प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एक चीज मिसिंग हुई है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी वन प्लस आई एन जी। तो देखिए विल संजय बी प्ले,
क्या संजय आ रहा होगा? विल संजय बी प्लेइंग? क्या संजय आ रहा होगा? देखिए ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर किस में मिलेगा? येस और नो में, या तो हाँ या तो ना। तो ऐसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम किससे करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। और संजय क्या खेल रहा होगा? तो क्या खेल रहा होगा, तो फुटबॉल खेल रहा होगा। इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, तो इसलिए इसकी स्टार्टिंग किससे होगी? क्वेश्चन वर्ड व्हाट विल संजय, व्हाट विल संजय बी प्लेइंग, व्हाट विल संजय बी प्लेइंग। देखिए अभी यहाँ नॉट का यूज किया ना, नॉट वाला एक सेंटेंस ले लेते हैं। क्या संजय नहीं आ रहा होगा? सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम? विल संजय नॉट बी कमिंग? विल संजय नॉट बी कमिंग? तो देखिए यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद में नॉट, तो कैसे? डब्ल्यू एच प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट नॉट, यदि नॉट है, प्लस बी प्लस बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक सो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? तो आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस लेसन। Please to put in your comment and query if any. I will be back. Continue रहेगा जो हमारा future perfect tense, और last जो रहेगा future perfect continuous tense. तो दो ही tense रह गए हैं, अब अच्छे से आप लोग एक बार पूरा video देखते रहिए. Okay, thank you.